फुल कोर्ट बनाने पर बहुत जोर दिया गया, एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई कि फुल कोर्ट बना दिया जाए। ये फुल कोर्ट क्या होता है, कितनी बार पाकिस्तान की तारीख में बना है, कितना इम्पोर्टेंट है और किस सूरत में बनाया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि अदालत जो है वो एक तरीक़ेकार के मुताबिक काम करती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिंगल बेंच जो है वो आम जनरल नोयत के मामला जो हैं उनको देखते हैं, लेकिन जब वो एपलेट जुरिसडिक्शन में आते हैं, यानी किसी हाई कोर्ट का कोई ऐसा फ़ैसला जिसके ख़िलाफ़ अपील में आएंगे, तो फिर वो डिवीजन बेंच यानी दो जजेस बैठ कर काम करेंगे और उन्हीं मामलात के ऊपर अगर मामला संजीदा है और उसके अंदर कोई कानून की तशरीह दरकार है तो फिर ये लार्जर बेंच जो है वो उसको जिसमें फुल बेंच तीन जो जजेस हैं वो बैठते हैं। अब इन्हीं मामलात के अंदर अगर कोई ऐसा इशू सामने आ जाए जहाँ पर आइन की तशरीह दरकार हो, जिसके अंदर आइन की किसी एक शिक या पूरा आर्टिकल जो है उसके बारे में कानून में या आइन के अंदर अभाव मौजूद हो, या अदालती फैसला इस नोयत के हों जिसके अंदर ये क्लियर ना हो कि ये आइन का आर्टिकल जो उसकी असल मंशा क्या है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास इंतज़ामी इख्तियारात हैं कि उस आइन के आर्टिकल की तशरीह के लिए वो फुल बेंच तश्कील दे दें, लार्जर बेंच दे दें, या उसके ऊपर वो एक फुल कोर्ट जो है वो बनाएं जिसके अंदर तमाम जजेस बैठें और उसका फ़ैसला करें। अब मौजूदा सूरत हाल जिसके अंदर ये फ़ैसला आया है, बज़ाहिर ये नज़र आ रही है और आपके इंटरव्यू में भी मुझे एक चीज़ नज़र आई, वो ये कि चूँकि छुट्टियाँ सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं, तमाम जजेस मौजूद नहीं हैं, आया कि कोर्ट ने ये फ़ैसला करना है कि वाकया ही इस कदर आइनी बहरान का मसला है कि तमाम जजेस को फौरन हाजिर किया जाए और ये एक बहुत ही इंतहाई अहम नौइयत का मुल्की मसला है और आइन की तशरीह दरकार है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में वो इस तरह बाकी जजेस को कॉल कर सकते हैं। फ़िलहाल उन्होंने इसके ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी, उन्होंने कहा है कि अभी आप कोर्ट को ये सेटिस्फाई करें कि ये मामला वाकया ही इस नौइयत का है कि जिसके अंदर तमाम सुप्रीम कोर्ट को बैठना है और इस मसले को हल करना है, तो ये मसला उन्होंने पेंडिंग कर लिया है जब तक वकला दलाइल मुकम्मल नहीं करते और इस कदर मजबूत केस अपना सामने सुप्रीम कोर्ट के नहीं रखते, उस वक्त तक ये मामला जो है वो पेंडिंग रहेगा।